आते हुए अभी अभी पटाखे लेने जाएंगे भाई, 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 भाई। कहाँ पे चलना है, कहाँ पे भाई पटाखे लेने चलते हैं ना, पटाखे जाते हैं। तो अभी ये तो पहले बता दे भाई ऑडियंस को कि हम कहाँ पे, कौन से मेट्रो स्टेशन पे हैं। ना प्रूफ दे भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो रिटाला मेट्रो स्टेशन पे है, यहाँ से हमें जाना है बस से। ये जो सामने रोड है इससे अंदर की राइट की तरफ जाना है, और थोड़ा सा जाते ही मतलब आपको 5 से 7 मिनट चलना पड़ेगा पैदल, आपको एक पट्टा की शॉप मिलेगी भाई। यहाँ से मतलब रिक्शा ले सकते हो आप, अगर 10 मिनट रिक्शा मिल जाएगा आपको जाना है तो सेक्टर 4 है। एड्रेस हम दे देंगे, एड्रेस हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो। और यहाँ पे आपको साइकिल्स भी मिल जाएंगी अगर आपको चाहिए तो, 10 रुपये पर आर के हिसाब से। तो आपको यहाँ पर सारी ये पढ़ सकते हैं अगर मैं आपको दिखाऊँ तो। तो भाई अभी पटाखे ये बता, पहले तो साइकिल लेके चलेगा फिर भाई पैदल चलेंगे, पैसे नहीं है भाई, ऐसे नहीं है साइकिल लेके चलते हैं बना है, पैदल चल। ठीक है भाई पैदल चलते हैं और फिर आपको सीधा पटाखे की शॉप पे मिलते हैं। तो भाई अभी हम पटाखे की शॉप पे आ रखे हैं, आप देख सकते हैं मास्टर जी पटाखा शॉप है रोहिणी में सेक्टर 4 में। तो मैं पहले ही बता देता हूँ गाइस, भाई हमें भाई हमें भी दिखा भाई, मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपको बूम बूम वाले पटाखे चाहिए जो बहुत तेज साउंड करते हैं तो यहाँ से लेना। कितनी तेज भाई, कितनी तेज भाई, बहुत तेज साउंड करते हैं, कितनी तेज भाई, भाई ये तो फोड़ के ही दिखाएंगे फिर बाद में। और अगर आपको फुस फुस वाले चाहिए तो आप कहीं से भी जाके ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इस शॉप से अगर आप पटाखे लोगे तो आपको बहुत बढ़िया कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो जल्दी से आपको कस्टमर से मिलवाते हैं अंदर चल के, और आपको शॉप के ओनर से मिलवाएंगे, तो उनने भी खुद अपने चैनल पे वीडियोस डाली हुई हैं, तो बिल्कुल अच्छे से सब कुछ आपको एक्सप्लोर करते हैं। तो जल्दी से अंदर आ जाइए ना। तो भाई ये देखिए आगे हम शॉप पे, एड्रेस वगैरह आप देख लो अच्छे से भाई, इतना बड़ा लिख रखा है इन्होंने, दूर से ही दिख जाता है भाई, मुझे भी दिख रहा है दूर से। लेकिन यह एक ही शॉप है रोहिणी में सेक्टर 4 में, तो आप यहाँ पे आए कर भाई सकते भाई हैं। मैं बातचीत करके आता हूँ, पर वीडियो शूट करने देंगे नहीं करने देंगे भाई, पूछ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, परचेज भी कर लेंगे भाई, वो तो बाद में आएंगे ना फिर। हाँ तो गाइज आप देख लीजिए बाहर से शॉप कुछ ऐसी दिखती है, जब आप आओगे तो एक टेंट सा मिलेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि धूप वगैरह कस्टमर के लिए धूप ना लगे। तो आप देख सकते हैं पहले कितनी सेटिस्फेक्शन के लिए सारी चीज़ें करी हुई हैं कस्टमर के। तो एक बार अंदर चल के सब कुछ करते हैं भाई, टिप देनी है टिप। हाँ भाई दो भाई एक टिप आप लोगों के लिए, आप अगर पटाखे खरीदने आते हैं मेट्रो से मत आएं, अपना व्हीकल लेके आए भाई। हाँ भाई मेट्रो में पटाखे लेने लेके जाने अलाउड नहीं है, तो एक ये डिसअपॉइंटमेंट है थोड़ी सी। नहीं है तो जल्दी से वीडियो बनाते हैं भाई, अब चलो भाई बना। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने आपको कस्टमर से बिल्कुल फेस टू फेस बात करवा दिया है, एक सारी चीज़ें बिल्कुल A1 क्लास मिल रही है यहाँ पे, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी है। तो आप यहाँ पर आके जरूर चेकआउट कर सकते हो शॉप को। तो मैं आपको शॉप के अंदर लेके चलता हूँ और अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ एक एक प्रोडक्ट को। तो गाइस शॉप के अंदर मिलते हैं। तो गाइस एक और कस्टमर से हम बात कर रहे हैं, तो सर एक बार बताइए आपको कैसा सेटिस्फेक्शन मिला यहाँ पर पटाखे परचेज करने का? अच्छा बढ़िया है, रेट भी बहुत सस्ते हैं। अच्छा तो क्वालिटी आपको कैसी लगी इसमें? क्वालिटी तो चलाने के बाद देखेंगे, लेकिन बढ़िया है, देखने में अच्छा लग रहा है। तो आपको यहाँ पे मतलब कि कोई किसी तरीके की कोई कमी तो नहीं महसूस होगी शॉप में आने के बाद? नहीं, बहुत बढ़िया। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं सेकंड कस्टमर से आपको बात करवा रहा हूँ, दोनों कितने खुश होकर जा रहे हैं इस दुकान से। तो इनके 2 ब्रांचेस के बारे में आपको बाद में बात करूँगा, और जो आपकी डिटेल्ड प्राइस की वीडियो होगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जो यहाँ के ओनर ने बनाई हुई है। तो प्राइस भी बहुत बढ़िया है, 80% डिस्काउंट है, बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू भैया।
तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको डायरेक्ट मिला देता हूँ शॉप के ओनर से, जो आपको बताएंगे कि अगर आप हमारी तरफ से आएंगे तो आपको कैसे इनकी तरफ से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कस्टमर के लिए। सर नमस्कार दोस्तों, ऐसा है आज मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है हमारा, तो मैं आपको पूरा टाइम नहीं दे पाऊँगा। अगर इस दुकान के विषय में और अगर आप चाहते हैं कि आप पटाखे सस्ते लें तो हमारा चैनल है पटाखा पटाखा शॉप, ठीक है ना, पटाखा पटाखा शॉप आप YouTube पे देखिए, ठीक है। उसमें मेरी चार वीडियो हैं और उसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो हम डालते हैं अपने दुकान के लिए, और जो भी हमारे पास चीज़ होती है उसके प्राइस भी हैं। और जैसे कि आप आ सकते हैं, बहुत आराम से आ सकते हैं हमारी दुकान पर, उसके लिए मैंने लोकेशन भी डाली हुई है। और ये भाई आया है हमारा, ठीक है, और इसके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और हौसला इसका कीजिए, इसे वो ये बहुत मेहनत कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और सर के चैनल को जरूर देखना है। बिल्कुल उसमें बिल्कुल एक एक प्रोडक्ट की अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी विद प्राइस के साथ, तो इनने अच्छे से बताया हुआ है, इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा प्राइस बता बता के। तो आपको एक बार पटाखे तो मैं दिखाई दूंगा, वैसे आपने पहले देखे भी होंगे थोड़े शॉर्ट्स में। देखिए पटाखे हमारे पास सभी तरह के मिलेंगे, आप बड़ी खुशी से आ सकते हैं। हमारे पास सोनी है, कोरोनेशन है, स्टैंडर्ड है, जंबो है, और भी बहुत से ब्रांड है जो मैंने अपनी वीडियो में डाले हुए हैं, आप उसको देखिए एक बार, ठीक है ना, आप उसको देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और नमस्कार दोस्तों। शॉप की वीडियो पूरी अच्छे से देख लिया, क्या क्या मिलता है, कहाँ पे है दुकान, तो भाई एक बार रूट बता दो लोगों को कैसे आना है। भाई ये अपना रिठाला पे पड़ता है, रेड लाइन पे मेट्रो स्टेशन है, रिठाला साइड है, रिठाला ही मेट्रो स्टेशन है। अभी जैसे हमने जाते समय रिठाला गए थे, आते समय में वही बेस्ट पे आया, तो भाई मतलब ये दोनों साथ साथ ही आप भी जा सकते हो। आप देख सकते पीछे बिल्कुल पास में ही पड़ता है, ये रिठाला का मेट्रो है, तो रिठाला से आपको ई रिक्शा मिल जाएगी, 10 रुपये में आपको पटाखा शॉप पे छोड़ देगी। मतलब यहाँ पे एक सेक्टर 4 में यही है एक पटाखा शॉप, आसपास ओनली मास्टर जी पटाखा शॉप। तो भाई यहाँ से फिर अगर आपको कोई पटाखे लेने हैं तो भाई आप फिर बस से फिर अपना व्हीकल लेके आए, क्योंकि मेट्रो में फिर आप मतलब चेकिंग के टाइम पे पटाखे रखते हैं, आपको पटाखे अलाउड नहीं करते मेट्रो के अंदर, तो वो रख लेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं आते वक्त आप मेट्रो से आ सकते हैं अगर आपके पास व्हीकल नहीं है, और जाते वक्त तो आपको बस से ही जाना पड़ेगा यार कुछ और व्हीकल, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन यही है या तो अपनी स्कूटी बाइक लेके आइए या अपनी कार से आइए, ओला ऊबर भी कर सकते हो, तो वो थोड़ा यार महंगा फिर जाता है। तो अरे भाई तो बहुत पैसे वाली है, तो भाई वो अपना हिसाब किताब देख लेना कि क्या कुछ हिसाब है आपका। तो भाई अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, भाई से सुनो भाई, है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनो भाई भाई क्या कहना। तो भाई अब आपने पूरी वीडियो देख ली है, तो इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक जो भी मन करे कुछ एक चीज़ ज़रूर करके जाना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, या नहीं लगी हो तब भी भाई कर लेना, आगे बढ़िया कॉन्टेंट आने वाला है। और भाई बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना क्योंकि उससे नोटिफिकेशन मिलती है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय भाई 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 रुक भाई, कमेंट के लिए भाई बोलना भूलिए, पर मैं बोलता हूँ भाई कमेंट जरूर करना वीडियो में। हाँ भाई कमेंट करना कैसी लगी, किस टाइप की वीडियो चाहिए, एक एक कंटेंट की वीडियो बनाएंगे जो आप बोलोगे बिल्कुल एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। तो जल्दी से आप बताइए कौन सी वीडियो बनाए, फिर हम उसी भी बनाते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और भाई आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भाई की आईडी का, हाँ इंस्टाग्राम मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो फॉलो कर लो, वहाँ पर जाके पहले ही अपडेट्स मिल जाते हैं किस चीज़ की वीडियो आने वाली है।